आज भी हम लोग के खेत में जो धान और गेहूं की कटनी होती है, 5 बोझा खेते में छोड़ दिया जाता है पचपौनिया के लिए। उसी पचपौनिया में चंद्रवंशी भी आते हैं। हम लोग चंद्रवंशी का विरोधी नहीं है, हम इस उम्मीदवार के विरोधी। एक छोटा सा मामला सब लोग जानते हैं, जहानाबाद में वो जो राजा बाजार का पुल का मामला है। हमको लगता है कि आज तक धरती पर कोई ऐसा इंजीनियर पैदा ही नहीं लिया जो पुल बना दे, और ना कोई ऐसा नेता पैदा लिया जो पुल बनवा दे। यहाँ से अगर आप जीत के जाते हैं तो उसके बाद जहानाबाद के लिए क्या विजन होगा? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी होगी कि युवाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित। रोज यहाँ से ट्रेन में भेड़ बकरी बोरे की तरह लोड होकर लोग दिल्ली, सूरत, पंजाब, हरियाणा रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है रोजगार की। तो हम सबसे पहले यदि दिल्ली जाते हैं तो संसद भवन में आपके लिए एक, हम धर्म के लिए लड़ेंगे, हम राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, हम सबके लिए लड़ेंगे, लेकिन अपने बच्चों का गला घोंटकर नहीं लड़ेंगे, अपने भविष्य का गला घोंटकर नहीं लड़ेंगे। किसी भूमिहार ब्राह्मण और सवर्ण के गांव में जब चले जाते हैं, बताना नहीं पड़ता है कि हिंदू का गांव है। हमारे घर के आंगन में जो महावीर ध्वज गड़ा रहता है, उसको देखकर समझ में आ जाता है कि हिंदुओं का गांव है। और इस राष्ट्र और धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक को यदि आप जड़ से मिटाना चाहिएगा तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपका धर्म और राष्ट्र दोनों सुरक्षित नहीं रहेगा। कि आपके साथ युवाओं का बहुत सारा प्यार भी है और उनका साथ भी मिलता है। हाँ। तो जिस तरीके से एनडीए सरकार ने अग्निवीर वाली योजना लाई, अगर आप सांसद बनते हैं तो युवाओं के लिए सबसे पहला व्यक्ति होगा जो बड़े बुजुर्गों के ही आशीर्वाद के वजह से ये हम हिम्मत कर पाए हैं कि जहानाबाद जैसे संसदीय क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र है, 2-2 जिला इसमें आता है, 6-6 विधानसभा आता है, 16-17 लाख वोटर्स हैं, हम इतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। आप जानते हैं, जैसा कि आप सवाल कर रहे थे कि एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। एक तरफ सुरेंद्र यादव 10 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले प्रत्याशी हैं, दूसरे तरफ चंद्रेश्वर चंद्रवंशी 20 करोड़ खर्चा करने हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे ऐसा साधारण व्यक्ति जो किसी को डीजल पेट्रोल के लिए भी पैसा नहीं देगा, लेकिन यदि हिम्मत कर रहा है तो ऐसे गार्जियनों का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, इनका हाथ हमारे सिर पर है, इसलिए, और युवाओं का साथ हमारे हाथ में, तो इसलिए हम हिम्मत कर पा रहे हैं। और जिस हिसाब से जहानाबाद के 6 अलग अलग विधानसभा से जिस हिसाब से लोग इसी तरह से गांव के गांव लोग एकजुट होकर वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके, स्पीकर ऑन करके लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और जितवा कर संसद में भेजेंगे, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि लड़ाई तो अभी त्रिकोणीय बनी है। और राष्ट्र जनता दल यूनाइटेड का जो उम्मीदवार, जो हेलीकॉप्टर से लाए गए उम्मीदवार है, जो थोपे गए उम्मीदवार है इस जहानाबाद पर, जो केवल एसी कमरे से बाहर नहीं निकलने वाले उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार को इस बार जहानाबाद की जनता ने यह तय कर लिया है कि उनको 3रे-4थे नंबर पर भेजना है, और वो चले गए। एक सवाल और है कि जहानाबाद में आप लोग विरोध कर रहे हैं तो अदर जिला में आपका समाज का विरोध हो रहा है सर? देखिए, हम लोग किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग राज नारायण जी को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जीवनी दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के उत्थान में लगा दिया। हम किसी जाति के विरोधी नहीं हो सकते हैं, हम उनके शोषक नहीं, हम उनके पोषक हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाले लोग हैं। हम जाति का विरोधी कैसे हो सकते हैं? आज भी हम लोग के खेत में जो धान और गेहूं की कटनी होती है, 5 बोझा खेते में छोड़ दिया जाता है पचपौनिया के लिए। उसी पचपौनिया में चंद्रवंशी भी आते हैं। हम लोग चंद्रवंशी का विरोधी नहीं है, हम इस उम्मीदवार के विरोधी। उम्मीदवार के विरोधी हैं कि आपको बगैर देखे, आपको यहाँ की जनता ने देखा नहीं कि आप नाटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, गोरे हैं, काले कैसे हैं, आपको नहीं पता लोगों को। आपको केवल मोदी जी के नाम पर वोट देके, एनडीए के नाम पर वोट देके पिछली बार संसद में भेज दिया गया। उस समय आप भूमिहार नहीं न थे, उस समय भी आप चंद्रवंशी ही न थे, आपकी जाति पूछी गई थी वोट देने से पहले। और अब यदि आप कह रहे हैं कि नहीं जाति के चलते विरोध कर रहा है, तो ये आप गलत कर रहे हैं, गलत। आपके काम की वजह से विरोध हो रहा है। हजारों चंद्रवंशी ऐसे हैं इस क्षेत्र में, हजारों अति पिछड़े ऐसे हैं, हजारों ऐसे दूसरे समाज के लोग हैं जो इस थोपे हुए कैंडिडेट से, थोपे हुए सांसद से बिल्कुल नारुष्ट हैं। और इस बार मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के इस कैंडिडेट का जमानत भी जहानाबाद में नहीं बचने वाली है। यहाँ से अगर आप जीत के जाते हैं तो उसके बाद जहानाबाद के लिए क्या विजन होगा? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी होगी कि युवाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित। देखिए, यहाँ बिहार की सबसे बड़ी समस्या यदि ग्लोबल समस्या यदि माना जाए तो रोजगार की है। रोज यहाँ से ट्रेन में
भेड़ बकरी बोरे की तरह लोड होकर लोग दिल्ली सूरत पंजाब हरियाणा रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है रोजगार की, तो हम सबसे पहले यदि दिल्ली जाते हैं तो संसद भवन में आपके लिए एक व्यक्ति तो जरूर होगा बिहार के 40 सांसद में जो ये मांग करेगा कि हमारे यहाँ उद्योग लगना चाहिए, हमारे यहाँ उद्योग लगना चाहिए, बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, हमारे युवा बिहार में आईटी हब क्यों नहीं बनाया जा सकता है, बिहार को आईटी हब क्यों नहीं बनाया जा सकता है, बिहार में जहानाबाद में आप देख लीजिए कोई भी बड़े स्तर का कोई भी इस तरह का अस्पताल नहीं है, यदि आपको इलाज कराना हो तो या तो पटना देखिए नहीं तो दिल्ली देखिए, तो जहानाबाद एक ऐसा भूमि है, यहाँ ये सब दिन सरकार की तरफ से उपेक्षित रहा है और नक्सलियों के दंश का भी शिकार हुआ है। एक छोटा सा मामला सब लोग जानते हैं जहानाबाद में, वो जो राजा बाजार का पुल का मामला है, हमको लगता है कि आज तक धरती पर कोई ऐसा इंजीनियर पैदा ही नहीं लिया जो पुल बना दे और ना कोई ऐसा नेता पैदा लिया जो पुल बनवा दे। आज भी इतनी गर्मी में जब 300 फीट नीचे पाइप हमारा सूख जा रहा है, आज भी देखिए इतना पानी लगा हुआ है। मुख्य वो आम रास्ता है पूरे दो जिला को जोड़ने वाला है जहानाबाद अरवल, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, डिग्री कॉलेज है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम तो यहाँ इस क्षेत्र के लिए भी हम लोग जो रोड मैप बनाए हैं कि यहाँ का जो लोकल मार्केट है जैसे सेवतर मार्केट हो गया यहाँ का मुख्य जैसे हमारे संसदीय क्षेत्र में जो पड़ता है, तो हम लोग वहाँ के लिए रखे हैं कि जो आपका मार्केट है जो यहाँ से नज़दीक है वहाँ पर कम से कम एक डिग्री कॉलेज हो और एक बढ़िया अस्पताल बने, उसके लिए हम लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी उसको शामिल कर रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि आम जनता के लिए सुविधा की बात है। बाकी आप लोगों के लिए बिना कोई पावर बिना आज तक एक वोट लिए पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, पिछले जातियों से प्रेरित होकर सामान्य वर्ग और सवर्णों से प्रेरित होकर 15 दिन पहले बिहार सरकार ने एक बहाली निकाली स्वास्थ्य विभाग में 4500 भर्ती, जिसमें जनरल का एक भी सीट नहीं था, सामान्य वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं था, एक भी नेता नहीं बोले, लेकिन ये आशुतोष कुमार सोशल मीडिया ट्विटर पे 3 दिन तक इंडिया में ट्रेंड करवाया, 3 दिन तक इंडिया में ट्रेंड करवाया, पूरे बिहार में बैनर पोस्टर पुतला दहन का तैयारी कर लिए और स्वास्थ्य मंत्री हमारे सम्राट चौधरी हैं उनको हमने टैग करवाया, हजारों लोगों ने मेंशन किया उनको ट्विटर पे और बोले कि कल यदि आपको हाथ पकड़कर सत्ता में बैठा सकते हैं हम लोग तो हाथ पकड़कर सत्ता से उतारने की भी ताकत हम लोग रखते हैं, यदि आप हमको इग्नोर कीजिएगा तो हम आपको इग्नोर करेंगे। और इसका ये परिणाम हुआ कि 24 घंटे के भीतर जो 4500 बहाली निकली थी जिसमें सामान्य वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं था, उस बहाली को रद्द करना पड़ा। तो अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम धर्म के लिए लड़ेंगे, हम राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, हम सबके लिए लड़ेंगे, लेकिन अपने बच्चों का गला घोट कर नहीं लड़ेंगे, अपने भविष्य का गला घोट कर नहीं लड़ेंगे। हम यदि सुरक्षित हैं, हमारे पेट में अनाज है, हमारे शरीर में ताकत है, हमारे पास शक्ति है, तो हम देश के लिए भी लड़ेंगे, धर्म के लिए भी लड़ेंगे। और इस देश के लिए लड़ाई में सबसे पहले बिगुल फूकने वाले हम ही थे मंगल पांडे के रूप में, और इस धर्म को जब हानि पहुंचाई जा रही थी तो हमारे समाज के 12-12 साल के बच्चों को आरती और तिलक लगाकर माताएं युद्ध के मैदान में भेजती थी, तब जाकर हमारा धर्म बचा है। किसी भूमिहार ब्राह्मण और सवर्ण के गांव में जब चले जाते हैं बताना नहीं पड़ता है कि हिंदू का गांव है, हमारे घर के आंगन में जो महावीर ध्वज गड़ा रहता है उसको देखकर समझ में आ जाता है कि हिंदुओं का गांव है। हमारे गांव के मुहाने पर चौराहे पर कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां पर दो चार को मंदिर नहीं होगा, हमको कोई ऐसा गांव नहीं मिला जिस गांव में डायरेक्ट मंच पर चढ़ा दिया गया हो, पहले मंदिर में माथा टेकवाया जाता है। हम हैं तब हमारा धर्म बचा है, हम हैं तब हमारा राष्ट्र बचा है, और इस राष्ट्र और धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक को यदि आप जड़ से मिटाना चाहिएगा तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपका धर्म और राष्ट्र दोनों सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए भी लड़ेंगे, अपने अधिकार के भी लड़ेंगे, और हम यदि सुरक्षित हैं हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। जय हिंद जय भारत। एक आखिरी सवाल आशुतोष जी आपसे कि आपके साथ युवाओं का बहुत सारा प्यार भी है और उनका साथ भी मिलता है, तो जिस तरीके से एनडीए सरकार ने अग्निवीर वाली योजना लाई, अगर आप सांसद बनते हैं तो युवाओं के लिए सबसे पहला व्यक्ति होगा जो भारत सरकार से
संसद भवन में खड़ा होकर ये मांग करेगा कि आपने जो अग्निवीर योजना लाई है इस पर पुनर्विचार कीजिए। हम खुद सेना में नौकरी करके आए हैं, हम कोई हवा हवाई नेता नहीं है कि पढ़ी पढ़ाई बात बोल दिए। 8.5 साल देश में सेवा किए हैं और 8.5 साल में 6.5 साल हमको जम्मू कश्मीर के पुंछ, रजौरी और बारामूला में सेवा देने का मौका मिला है और बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग, अम्बुस और सर्चिंग किए हैं। हमको पता है कि जो ट्रेनिंग जो भारतीय सेना में एक सैनिक को बतौर सैनिक जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो 1 साल में दी जाती है, वो प्रशिक्षण यदि आप 6 महीने में दीजिएगा तो निश्चित रूप से वो सैनिक उतने ट्रेंड नहीं होंगे। और 4 साल के लिए जो आप भर्ती कर रहे हैं तो 4 साल में एक फौजी को फौजी बनने में, फौज के हिसाब से सेट होने में 8 साल लग जाता है। असली फौजी बनने में, उसके तौर तरीका को सीखने में, उसके डिसिप्लिन को सीखने में 8 साल लग जाता है। 4 साल में वो डेगा डेगी नहीं देना सीखेगा, उसके पहले ही आप रिटायर करके भेज दे रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इससे केवल हम ही नहीं, जो आपने देखा होगा कि इस तरीके का जब सरकार ने आदेश लाया कि 4 साल की नौकरी होगी अग्निवीर के तहत, तो आर्मी के भी तमाम जितने जो वर्तमान नौकरी में है वो कैसे विरोध कर सकते हैं सरकार का, उनके हाथ में। लेकिन जितने रिटायर्ड लोग थे बड़े बड़े पद पर, चाहे वो जनरल हो, मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, ये सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने हिसाब से मीडिया में आकर अपने अपने हिसाब से इस बात का विरोध किया है कि ये सेना के साथ में यानी कि देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है, इसके साथ कोई समझौता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।